आरजेडी के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के अंदर ठाकुर का कुआं कविता क्या पढ़ी कि बवाल मच गया। ये बवाल 72 घंटे से जारी है। कल मैंने बिग डिबेट की थी, आज इस खबर के अंदर की खबर आपके लिए लेकर के आया हूँ। जेडीयू में कैसे ठाकुर का कुआं कविता पर दो फाड़ है, आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लालू प्रसाद यादव तेजस्वी बचाव कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव के सुर क्या अलग पड़ने लगे हैं? और जेडीयू के कितने नेता मनोज झा के साथ में हैं और कितने नेता मुखालफत कर रहे हैं? ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस लड़ाई की इनसाइड स्टोरी क्या है? बिहार में बवाल बात और ठाकुर का कुआं कविता पर सवाल बात, यही आज की सच्चाई है। बिहार में ठाकुर का कुआं और जाति का धुआं दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। जाति के धुएं के बीच में कितने लोग इस तपिश में अपने हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी खबर है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। अब ठाकुर विवाद में कूद पड़े हैं जेडीयू के नीरज कुमार। नीरज कुमार का कहना है केंद्र की सत्ता का ठाकुरत्व सामने आया है। जुबान खोले कौन, पगड़ी बांधे मौन, यानी काव्यात्मक लहजे में नीरज कुमार ने जवाब दिया है कई बड़े नेताओं को। और वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए केंद्र पर किस तरह से नीरज कुमार ने निशाना साधा, देखिए और सुनिए। कुंवर सिंह का देखो, मोदी शाह के सत्ता का ठाकुरत्व, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज नहीं। जुबान खोले कौन, पगड़ी बांधे मौन, देश के लिए जो रक्त बहाए, मातृभूमि का जो देशभक्त कहलाए, गर्जन से शत्रु का तख्त हिलाए। और वहीं बिहार में ठाकुर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ठाकुर विवाद पर फिर भड़क गए हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन ने कहा कि ठाकुर को मारो अगर कहेंगे तो विरोध तो करेंगे ना, मेरी कोई पार्टी नहीं है। आनंद मोहन ने कहा, आरजेडी सांसद मनोज झा पर एक बार फिर से कैसे भड़के हैं आनंद मोहन। पिछले 72 घंटे में 3 बार आनंद मोहन भड़के हैं, एक बार सुने पूर्व सांसद आनंद मोहन को लाइव। हमारे साथ है पूर्व सांसद आनंद मोहन है। सर, राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर को लेकर कविता कही, उसको किस तरह से लेते हैं? कविता से कहां परहेज है, लेकिन अगर कहेगा ठाकुर को मारो तब उसके खिलाफ खड़े होंगे मरते दम तक। आप ही के पार्टी के सांसद हैं सर, और आपके पुत्र हमारी पार्टी कोई नहीं है। चेतन आनंद आपके पुत्र, हमारी कोई पार्टी नहीं है। चेतन आनंद की पार्टी है तो चेतन आनंद को जो लगा, चेतन आनंद उसका विरोध किया। आपने कहा था कि अगर इस तरह की बातें कोई कहेगा उसके जीवा खींच के आसन की ओर कर दे, सुन लिया ना, उसको चलाइए। इससे पहले कि हम ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलें, पटना से लेकर के दिल्ली तक हलचल कितनी ज्यादा मची है ये आपको दिखाएं। उससे पहले मनोज झा के बचाव में किस तरह से उतर पड़े हैं लालू प्रसाद यादव, आप ये देखें। लालू यादव का कहना है कि मनोज झा एक विद्वान आदमी है, मनोज झा पर बोलने से परहेज करना चाहिए। लालू यादव ने यह कहा, ठाकुर का अपमान नहीं हुआ है, किसी जाति का अपमान करना हमारा मकसद नहीं है। आनंद मोहन के सवाल पर लेकिन चुप्पी साध गए लालू यादव। लालू यादव ने कितना कहा और कितना छिपाया, अब आप ये भी देखें। नीरज सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी वर्सेज लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो लाइव। ये काफी चिंताजनक और दुखद बयान है, जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है ये स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बयान एक साजिश का हिस्सा है। ये साजिश तन ये बयान है, वो कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए। इसका क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अगर ये कहते कि हमको अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, जो लोग कहते हैं, तो आप रावण और राक्षस के जगह ठाकुर को रख रहे हैं, ये काफ़ी दुखद है। आपको ठाकुर का इतिहास हो सकता है मालूम नहीं होगा कि ठाकुरों के बलिदान और कुर्बानी के दम पर ये देश आज सही सलामत है, नहीं तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। ठाकुरों ने इस देश को बचाने का काम किया, आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने का काम किया। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा नहीं होते, आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोल रहे हैं सर, कोई अरे सामने नहीं रखो यार, किनारे रखो ना, नीचे रखे ना माइक नीचे, अजीत ऊपर आते रखो, परहेज
करना चाहिए सब बात को, कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार लाइव जुड़े हैं, उसके अलावा राजधानी दिल्ली से आरजू सेठ लाइव हैं। दरअसल आरजू हमें ये बताएंगे कि ठाकुर का कुआं की जो धमक है वो पटना से लेकर के दिल्ली तक क्या नजर आ रही है। यहाँ दिल्ली में बैठे हुए जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू या फिर राष्ट्रीय जनता दल के, क्या सोचते हैं, चिराग पासवान का क्या रिएक्शन आया, ये सब कुछ आरजू सेठ हमें बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं शक्ति कुमार के पास। शक्ति कुमार, ठाकुर का कुआं पर विवाद हुआ, 6 दिन के बाद में विवाद शुरू हुआ, 72 घंटे से विवाद जारी है। अब जेडीयू के नेता नीरज सिंह भी इस विवाद में कूद गए हैं, लालू प्रसाद यादव ने बचाव किया है मनोज झा का। मुझे ये बताएं कि अभी जेडीयू और आरजेडी में मनोज झा के साथ में कितने हैं और मनोज झा के खिलाफ कितने हैं। देखिए, बात अगर हम करें जेडीयू और आरजेडी को लेकर, तो जेडीयू कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है थोड़ी सी जो है वो असमंजस की स्थिति में, लेकिन जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने साफ कर दिया कि मनोज झा ने जो है किसी जाति विशेष को लेकर नहीं कहा बल्कि कविता ठाकुर को लेकर कही है और इसको गलत तरीके से जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बिहार में काफी आक्रोशित है, बीजेपी इसको लेकर काफी हमलावर है और बिहार में जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियां जो है इसको लेकर फिलहाल जो है जेडीयू का समर्थन जो है अभी कुछ हद तक जेडीयू खुल के, लेकिन सामने इसको लेकर जेडीयू के जो नेता है वो बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी इसको लेकर काफी जो है खुल के आ रही है। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कर दिया कि जो मनोज झा है उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। शक्ति, आपके पास में आते हैं लौट करके। ठाकुर का कुआं कविता विवाद में जेडीयू में वर्टिकल स्प्लिट हो गया है, यानी जेडीयू के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। जेडीयू में ललन सिंह और सुशील सिंह के बोल अलग हो गए हैं और सुशील सिंह का ये कहना है कि जाति विशेष की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। सुशील सिंह ने आगे कहा कि मनोज झा जैसे नेताओं को माफी मांगना चाहिए, लेकिन वहीं ललन सिंह के सुर अलग हैं। ललन सिंह का कहना है मनोज झा का मतलब जाति नहीं बल्कि मालिक से था। 7 दिन के बाद बवाल करने का मतलब आखिरकार है क्या? जेडीयू के अंदर कैसे दो अलग अलग बयान हैं? सुशील सिंह प्रवक्ता जेडीयू और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू, इन दोनों के सुर एक ही पार्टी में ठाकुर का कुआं पर अलग अलग कैसे हो गए हैं? अब आप ये देखें, हम समाजवादी लोग हैं, किसी जाति विशेष का भावना को आहत नहीं करना चाहिए और नहीं करना है। उन्होंने ऐसा किया जाने अनजाने में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ वो राज्यसभा सांसद हैं और संसद में वो ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, किसी एक जाति विशेष के प्रति वो करेंगे, नकारात्मक चीज़ें उनका पिक्चर पेंट करेंगे, ठाकुरों के प्रति करेंगे, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं और आशा करते हैं कि वो अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा है और खुद को ये कहा है, कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं, तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद, उनका बयान पर शुरू हो गया, 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज की करना। सुशील सिंह और ललन सिंह को आपने सुना, अब एक बार फिर से शक्ति कुमार के पास चलेंगे। शक्ति कुमार, क्या मनोज झा ने जो कविता पढ़ी ठाकुर का कुआं, इस पर जेडीयू के अंदर दो फाड़ है, सुशील सिंह के सुर अलग हैं, ललन सिंह बचाव करने की मुद्रा में हैं, इसके पीछे क्या नीतीश कुमार का कोई दिमाग काम कर रहा है? देखिए, जेडीयू के अंदर खास करके जो ठाकुर बिरादरी के नेता हैं, सुनील सिंह की बात करें प्रवक्ता या फिर संजय सिंह एमएलसी, उन्होंने भी इसको लेकर काफी एग्रेसिव बयानबाजी की थी और ललन सिंह ने जो है वो मनोज झा को बचाव कर दिया है। लेकिन बिहार की राजनीति में फिलहाल कुछ दिनों से जेडीयू के अंदर भी जो है, जो हमारे सूत्र हैं बता रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में भी बहस की बातें भी सामने आई थी। हमारे जो सूत्र हैं बता रहे थे कि जो जेडीयू के अंदर जो है प्रभारी
प्रभारियों की विधानसभा प्रभारियों की बैठक हो रही थी सीएम आवास में, और उस बैठक के खत्म होने के बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में तीखी बहस भी हो गई थी, और इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं अब जेडीयू के अंदर भी जो विवाद है, दो खेमा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मनोज झा का समर्थन जो है ललन सिंह कर रहे हैं। ललन सिंह को कहा जाता है कि वो आरजेडी के सपोर्टर है, जेडीयू के अंदर जो है वो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। तो उससे पहले चूंकि आपने संजय सिंह एमएलसी जेडीयू की भी बात की है, एक बार वो उन्हें भी सुनिए। मैं माननीय सांसद मनोज झा को कहना चाहता हूं, दया के पात्र हो आप, ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आग है, ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको हम पानी से मिटा देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे, हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। अरे छत्री तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौगा नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा छत्री समाज देगा, चिंता मत करो। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह को आप सुन रहे थे। संजय सिंह का ये कहना था कि ठाकुर तो एक आग है, तो फिर आग तो फिर फायर फाइटर इस सियासत का कौन बनेगा। अंदर की खबर समझने के लिए हमने आपके आपके लिए बहुत आसान से ग्राफिकल इनपुट तैयार किए हैं। अब पूरी स्क्रीन पर आप एक ग्राफिकल इनपुट देख रहे हैं। आप ये समझें, 21 तारीख को मनोज झा ने कविता पढ़ी, 5 दिन तक सब खामोश रहे, लेकिन 5 से 6 दिन बीते उसके बाद ये राजपूत नेता सामने आए और सभी के सुर मनोज झा के खिलाफ चले गए। इनमें नीरज बबलू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अजय सिंह बीजेपी के नेता, संजय सिंह जेडीयू की तरफ से, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं और आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं। यानी 21 तारीख को कविता पढ़ी, 5 से 6 दिन गुजरे, उसके बाद ये नेता सामने आए और मुखर हो गए। इसके पीछे की कहानी को अब समझने के लिए आप समझें, मनोज झा कविता पढ़ने से पहले ये कह चुके थे कि ओबीसी की अनदेखी की गई है, ओबीसी आरक्षण की मांग करते रहे मनोज झा, और राजपूत जितने आक्रामक हुए हैं ये 5 नेता हैं, अभी बहुत ज़्यादा अग्रेशन वाले मोड में हैं। हालांकि ललन सिंह बचाव कर रहे हैं। अब आरजू सेठ के पास में चलते हैं। आरजू सेठ, ठाकुर का कुआं कविता की जो धमक है ये पटना में सुनाई दे रही है, इसकी गूंज दिल्ली में आपने क्या सुनी, क्या समझी? जी राशिद, बिल्कुल, देखिए पूरा मामला शुरू ही दिल्ली से हुआ था। दिल्ली में बनी नई संसद में जब मनोज झा महिला आरक्षण बिल पे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ठाकुर से जुड़े एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अंदर के ठाकुर को मार देना चाहिए, और उसी कविता के बाद से जो बवाल है वो मचा हुआ है। चाहे बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में भी भूचाल सा जो सामने आ रहा है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी या जेडीयू ही नहीं बल्कि उनकी खुद की पार्टी के जो एमएलए एमएलसी हैं वो इसकी आलोचना कर रहे हैं जो कि ठाकुर समाज से जुड़े हुए हैं। तो लगातार नजर आ रहा है कि तरीके से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और यहां तक कि धमकियां जो है वो भी मनोज झा को दी जा रही हैं कि उनकी जवान काट देते, उनकी गर्दन काट देते इस तरीके की स्टेटमेंट अगर उन्होंने दिए हैं। तो इसी को लेकर, क्योंकि अब जो उनके स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हैं जो आरजेडी के, उन्होंने वाई सिक्योरिटी की भी मांग जो है वो कर दी है। गृह मंत्रालय से ये मांग की गई है कि मनोज झा को वाई सिक्योरिटी जो है वो प्रदान करनी चाहिए, इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए। तो हम लगातार देख सकते हैं कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी इस पूरे मामले में राजनीति गरमा गई है। चिराग पासवान की बात करें जो एलजेपी के चीफ हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसमें सामने आया है। राजनीति कितनी गरमाई है इसे बयानों के जरिए भी देखते और समझते हैं। आरजू सेठ आपका और शक्ति कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के नेता, अजय आलोक नेता भारतीय जनता पार्टी, बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव, राघवेंद्र सिंह जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक बार फिर से आनंद मोहन, पिछले 72 घंटे में कई बार कूद पड़े हैं अलग अलग बयानों के जरिए। समझिए कि इस सियासत में कितनी आग है, ठाकुर का कुआं है, बिहार की सियासत का धुआं है, नजर 2024 के इलेक्शन पर है। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है, तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो दत्तानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं। लेकिन आरजेडी जो क्लियर कट डिफाइंड पार्टी है मुसलमान यादवों की, जिसने बाकी जातों का तिरस्कार ही किया बिहार में अपने 30 साल के राज्य में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मनोज झा उनके लिए नगण्य है, और जितने राजपूत नेता चिल्ला रहे हैं उनके लिए भी आरजेडी उनके लिए नगण्य है। जगतावो की क्या इज्जत है,
बड़ा आरजेडी के ठाकुर नेता चिल्ला रहे हैं, जगता वो को तो खुद तेजस्वी तेज प्रताप यादव बेइज्जत करते हैं, तब कहाँ गया ठाकुर? इनकम लिए ये सब कुछ नहीं है। देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान हैं, हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसे इंसानियत होना चाहिए सबसे पहले। हम ये जानते हैं ये मनोज झा है कौन, और ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसका इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम जब भी उनको देखते हैं हमको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लफुआ की तरह लगता है, एक फिटकिड़ी झा है। वो नहीं चाहता है इस देश इस प्रदेश में जो मार्शल कौमें हैं, जो कृषक जातियां हैं, वो इकट्ठा हो एजेंट बन के पार्टियों में बैठे हुए हैं। और अब देखिए चेतन आनंद की बेटी सुभि आनंद ने कविता से कैसे काउंटर किया है। खेत का खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। ठाकुर होना आसान नहीं होता, कभी कासिम तो कभी गजनी से भिड़ा ठाकुर। हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर, हारना ही था उसे, वो अकेला जो लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी, फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर? बीवी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। सदियों से रक्त दे माटी को सींचा, जन जन्मभूमि और धर्म की वेदी पर मिटा ठाकुर। जिनके लिए सब कुछ होया, क्यों उन्हीं की नजरों में बुरा फिल्मों का ठाकुर, कहानियों किस्सों का ठाकुर, कविताओं का ठाकुर? जब दुबक बैठे थे घरों में सब तमाशबीन, तब पीढ़ियां युद्ध भूमि में बलिदान कर रहा था ठाकुर। आज बुद्धिजीवी पानी पी पी कर बरगलाते और कोसते हैं कि आखिर कौन है ठाकुर, कौन बताए उन्हें कि कफन के सरिया करके मूछों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जाबाज ही था ठाकुर।